सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आ चुके हैं आपसे फिर से एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, बात करेंगे आपसे एक बहुत ही खास बारे में। जी हाँ, और आप सभी को एक आर्टिकल पब्लिश किया है यहाँ, जहाँ लिखा गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय नए सिरे से शुरू होगी प्रवेश परीक्षा, यानी कि जो नए तरीके से पूरा एडमिशन होगा आप सभी का। तो क्या नए चीज़ें होने की वजह से क्या कुछ पैटर्न में चेंजेस होगा, क्या कुछ प्रोसेस चेंज होगा, आखिर क्या कुछ होगा, जानेंगे इस वीडियो में कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नए तरीके से सब कुछ करने जा रहे हैं, नए तरीके से पूरा प्रवेश प्रक्रिया किया जाएगा, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इससे पैटर्न में क्या इससे कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा, इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। जी हाँ, सो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट्स मिलती हैं। जी हाँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी सूचना कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना पाए। आप देख रहे होंगे लगातार आपका चैनल साथ दे रहा है आप सभी का, और आने वाले समय में जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक कोई चैनल साथ देगा आपका, तो वो आपका केवल और केवल आदित्य कॉमर्स है। तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करिए, जैसे सारी सूचनाएँ सारी इन्फॉर्मेशन आपसे आपको मिलती रहें और कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना पाए। चलिए बात करते हैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बारे में, जो यहाँ पब्लिश किया गया है, जो जान आप सभी को बहुत ज़्यादा जरूरी बन चुका है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं, आप सभी बड़ी बड़ी परिचित ही हैं कि दो दिन पहले एक ऐसी अपडेट आई थी कि जिसके तहत साफ 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 हो गया है कि सीयू सिटीज़ बंद नहीं होने वाला। जी हाँ, उसके बाद लगातार बहुत ही बड़ा आप कहिएगा तो खलबली मची हुई हर जगह पे। बात करते हैं आखिर क्या इस आर्टिकल में पब्लिश किया गया है। यूजीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा नहीं कराई जाएगी। इस आधार पर ईवीवी प्रशासन ने नए सिरे से प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय ले लिया है। बताते हैं सभी को, सोमवार को हुई प्रवेश, जो आपके मंडे को जो आपका पास्ट मंडे था, इसमें जो आपके जो एग्जामिनेशन कंट्रोल होते हैं सर, तो उनकी ओर से एक कमेटी बैठाई गई थी जिसमें तय हुआ कि अब प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के साथ साथ स्नातक एवं प्रस्नातक के नियमित पाठ्यक्रमों के जो कोर्सेस है उनको भी लेके सब कुछ तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, तथा यहाँ पर देखिए इसका लिखा गया है अगस्त के, ध्यान रखिएगा अगस्त के पहले सप्ताह, ध्यान रखिएगा अगस्त के पहले सप्ताह में एजेंसी फाइनल हो सकती है, जिसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएंगी। यानी क्या कि जो आप सभी का जो फॉर्म है वो पहले जुलाई के अंत में आने वाला था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, ध्यान रखिएगा अब ऐसा लग रहा है कि आपका जो फॉर्म है गाइस वो अगस्त के फर्स्ट वीक में आ सकता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा हो सकता है कि आपका फॉर्म इस मंथ के लास्ट में भी आ सकता है। जी हाँ, जहाँ तक मेरी सोर्सेस है, जहाँ तक मैं बात कर पा रहा हूँ, उसके तहत ये साफ हो चुका है कि फॉर्म इस मंथ में ही आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। खैर, इस आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि आपका फॉर्म अगस्त के पहले वीक तक में जारी किया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरे पास अपडेट है उसके हिसाब से इस मंथ के लास्ट में ही फॉर्म रिलीज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं क्या कुछ यहाँ पर पब्लिश किया गया। ईवी प्रशासन ने पहले BLLB LLB IPS के सभी प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कराने का निर्णय लिया था। संयुक्त प्रवेश प्रक्रिया पर निर्णय न होने के कारण स्नातक एवं प्रस्नातक के नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया फंसी हुई थी। लेकिन दोस्तों, ये भी जानते हैं आप सभी के सब साफ हो चुका है, तो ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं सभी चीज़ों के बारे में जो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया था, और इन सभी चीज़ों से आप पहले से भी परिचित है कि क्या कुछ होने वाला है। अब जल्दी से बात करते हैं कि आखिर इसके होने की वजह से क्या पैटर्न चेंज होगा, क्या कुछ होगा इस बार होने की वजह से। जी हाँ, सो बहुत ही खास वीडियो वास्ते मैं आप आगे बताऊँ, उससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो ड्रीम लेके बैठे हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुँचने का, तो आपका ड्रीम सच हो पाएगा गाइस। अगर आप इन देखिए जो ड्रीम है उस ड्रीम को सच करने का जो एक पूरा ऑब्जेक्टिव है वो अपने अपने टीम का है। सो गाइस, तो आप सभी को कि एक नया बैच ओपन हुआ है, आप सभी जानते हैं कि आपके चैनल तो कॉमर्स पे ऑनलाइन क्लास दी जाती हैं, जिसके तहत आप आसानी से एंट्रेंस क्रैक कर पाएंगे। जी हाँ, बताता आप सभी को कि क्लासेस बीकॉम, बीए, बीएससी, यूजी यानी पीजी सभी क्लासेस दी जाती हैं, BLLB LLB साथ ही जितने भी कोर्सेज सभी के लिए क्लास दी जाती हैं। जी हाँ, आप व्हाट्सएप करके इसके बारे में और भी इंक्वायरी कर सकते हैं, आपका ड्रीम है तो उन ड्रीम को सच करने का समय आ चुका है गाइस, तदन सभी को। जी हाँ, आप व्हाट्सएप करके इसके बारे में और भी इंक्वायरी कर सकते हैं। नया बैच, न्यू बैच 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो 21 जुलाई से नया बैच है हर कोर्सेज का, आप इनरोल करके उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को
सबसे बेहतर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि आप आसानी से एंट्रेंस क्रैक करके वहाँ पहुँचें। जी हाँ, क्योंकि आपका ड्रीम है तो उस ड्रीम को सच करने का समय आया हुआ है। लगभग देखिए समय बहुत ही कम बचा हुआ है, समय है जो बचे समय उसको प्रयोग में करने का और वो पढ़ने का जो एग्जामिनेशन में आता है, वरना आप सब कुछ पढ़ेंगे उस चीज़ को छोड़ देंगे जो पढ़ना, फिर उस चीज़ का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं सभी से यहाँ पे कि क्या इसकी वजह होने की वजह से क्या कुछ चेंजेस होगा, नहीं होगा क्या, पेपर पैटर्न चेंज हो सकता है, हो सकता है। सो कह सकता हूँ सभी को कि पेपर पैटर्न चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा पेपर पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है। यानी जैसा पहले पेपर पैटर्न होता था उसी प्रकार से उसी तरीके से पेपर पैटर्न अभी भी इस बार भी आप सभी को देखने को मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, यहाँ तक मेरे पास अपडेट, यहाँ तक मेरी बातें हो पाई उसके हिसाब से पेपर पैटर्न चेंज नहीं होगा, जैसा होता था वैसा ही होगा। नेगेटिव मार्किंग क्योंकि पिछले वर्ष भी नहीं था तो इस बार भी आपका नेगेटिव मार्किंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं लेंगे। जी हाँ ध्यान रखिएगा पेपर पैटर्न चेंज नहीं होगा, पेपर में जो पैटर्न था चेंज नहीं होगा और ना ही नेगेटिव मार्किंग, जो पहले मतलब आपने देखा होगा नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया था तो इस बार में नेगेटिव मार्किंग हटा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रही हैं, पेपर ड्यूरेशन जैसा होता था वैसा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, जैसा पिछले वर्ष कराया गया था। जी हाँ ये कुछ खास बातें थी जो आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट था कि क्या कुछ होगा, क्या पैटर्न चेंज होगा, क्या कुछ चेंजेस हो सकता है। देखिए इस तरह सभी को कुछ जो चेंजेस होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो केवल और केवल आपका प्रोसेस ऑफ एडमिशन होगा, बाकी इसके अलावा कोई और चेंजेस नहीं होगा। जी हाँ आने वाले समय आपको सूचना देते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे क्या कुछ हो रहा है, आप निश्चिंत रहिएगा, आप बेफिक्र रहिए, आपका चाहे और कॉमर्स बैठा हुआ कोई भी अगर खबर आएगी ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तो वो सबसे पहले आपको हम अपडेट करेंगे। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सारी खबरें सारी सूचनाएँ आपसे छूट ना पाए, सारी खबरें आपको मिलती रहे। जी हाँ सारा कुछ आपको यहाँ पे दिया जाएगा, टीम लगातार बैठी है हमारी जो आप सभी के लिए वर्क कर रही है। जी हाँ मिलेंगे आप अगले वीडियो में, जाने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लासेस नया बैच ओपन हुआ 21 जुलाई, आप इनरोल करके इसके बाद और भी इंक्वायरी कर सकते हैं। एंड गाइस आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी नेम अपना आदित्य कॉमर्स है। बाकी कोई आपका सवाल है नीचे कमेंट में पूछ दीजिएगा, आने वाले समय में हम लाइव करने वाले हैं जिसके तहत हम आपके सवालों के जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। जी हाँ सो अपने सवालों को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा, वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, सभी को इसका लाभ मिल पाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे कोई भी सूचना आने वाले समय के आगे बताऊँ मैं आपको तो वह भी आपसे छूट ना पाए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना सा, आई एम आदित्य एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे वीडियो में, टिल नंबर बट टेकन ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ फ्यूचर।